अब हमारा क्वेश्चन सेकंड में पूछा गया है मार्क द करेक्ट आंसर हमें राइट करना है जो हमारा करेक्ट होगा रेयन इज डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर बिकॉज रेयन जो है सिंथेटिक फाइबर से डिफरेंट क्यों है क्योंकि हमने पढ़ा था रेयन को हम क्या बोलते थे सेमी सिंथेटिक क्यों बोलते थे बिकॉज इट इज ऑप्टेन फ्रॉम वुड पल्प वो कहाँ से मिलता था हमारा वुड पल्प से वुड पल्प से हमें क्या मिलता था सेलुलोज मिलता था क्या मिलता था हमें सेलुलोज जिससे हमारा बनता था तो वुड पल से हमारा सेल्लोज मिलता था ऑप्शन ए बोला गया इट हैज सिल्क लाइक अपीरियंस नहीं थर्ड बोला गया इट फाइबर्स इट्स कैन आल्सो बी वन लाइक दोज ऑफ नेचुरल फाइबर्स तो हमारा बी पॉइंट सही है क्योंकि वो वुड वु वुड पल्प से बनता था जिसमें हमारा क्या था सेल्लोज था अब हम पढ़ते क्वेश्चन नंबर थर्ड पे क्या बोला गया फिल्म द ब्लैंक्स विद विट वर्ड्स तो पहला बोला गया है सिंथेटिक फाइबर आर आल्सो कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर क्या होता है मैनमेड फाइबर होता है और आर्टिफिशियल तो पहले में हमारा क्या आएगा पहले में हमारा आएगा मैनमेड पहले में हमारा आएगा मैनमेड और सेकंड में क्या आएगा हमारा आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल। सेकंड बोला गया बी पार्ट सिंथेटिक फाइबर्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम रो मटेरियल्स कॉल्ड कौन सा रो मटेरियल था किससे सिंथेसाइज होता था, था हमने पढ़ा था वो क्या था हमारा पेट्रोकेमिकल्स क्या था हमारा इसमें पेट्रोकेमिकल्स पेट्रो केमिकल्स अब सी पार्ट बोला गया है लाइक सिंथेटिक फाइबर्स प्लास्टिक इज आल्सो आ प्लास्टिक क्या होता है सिंथेटिक फाइबर की तरह प्लास्टिक भी हमारा क्या था पॉलीमर था प्लास्टिक भी हमारा क्या था पॉलीमर सिंथेटिक फाइबर की तरह प्लास्टिक भी हमारा क्या है पॉलीमर है अब हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ